इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सन 2005 के बाद बेन स्टोक्स की कयादत में टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच चुकी है, मगर इस टीम के पीछे पीछे इंग्लैंड से एक आर्मी भी पाकिस्तान का रुख कर रही है और वो है इंग्लैंड की बर्मी आर्मी। ये आर्मी बंदूकों वाली नहीं बल्कि ढोल और बाजे वाली है। ये आर्मी दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फैंस हैं और पिछली कई दिहाइयों से अपनी टीम के पीछे पीछे मुल्क मुल्क का दौरा कर रही है। अब मौजूदा सीरीज में भी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए इस आर्मी के कुछ मेंबरान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और मालूमात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में 100 से ज़ायद के करीब इंग्लिश फैंस भी अब इस सीरीज के लिए पाकिस्तान में अपना पड़ाव डालेंगे। लेकिन ये वाली आर्मी यानी बर्मी आर्मी करती क्या है? बर्मी आर्मी इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये ग्रुप सन 94-95 में बना था, जब इंग्लैंड की टीम एशियन सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। उस वक्त बर्मी आर्मी के अरकिन की तादाद सिर्फ 30 के लगभग थी, जो कंधों पर बैग लटकाए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पीछे पीछे जाया करते थे और क्रिकेट देखने का अपना शौक पूरा करने के लिए दुनिया भर के होटल्स को अपना मस्कन बनाया करते थे। 3 बानी और 30 अरकिन पर मुश्तमिल ये ग्रोह अब तकरीबन 27 साल बाद हजारों इंग्लिश क्रिकेट फैंस का एक बड़ा क्लब बन चुका है। ये क्लब ना सिर्फ इंग्लैंड में क्रिकेट के फरोग के लिए काम करता है बल्कि दूसरे मुमालिक में जाकर क्रिकेट देखने के शौकीन अफराद की रहनुमाई और इनके रहने सहने के इंतजाम में भी इनकी मदद करता है। ये आर्मी चैरिटी का काम भी करती है और अपनी बुनियाद रखने के बाद से अब तक 5 लाख पाउंड की रकम भी जमा कर चुका है। इस बर्मी आर्मी के बाजा बजाने वाले भी दुनिया भर में मशहूर हैं, जो कि बैरून मुल्क स्टेडियम में बैठे रंग जमाते रहते हैं। बर्मी आर्मी के सोशल मीडिया के रुकन बताते हैं कि हम इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के सबसे बड़े फैंस हैं और जहां भी हमारी टीम जाती है हम उनका पीछा करते हैं। वाज़े रहे, इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में खेले जाने वाले सीरीज के मैच फीस पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए दिया कर देंगे। कुछ ऐसा ही जज्बा इंग्लैंड की बर्मी आर्मी भी रखती है और बर्मी आर्मी के कुछ अरकान पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा भी करेंगे और हाँ, अपने तजुर्बात को कलम बंद करेंगे ताकि पाकिस्तान में सैलाब से पैदा होने वाली मुश्किलात को दुनिया में भी देखा जा सके।